Hello students, how are you? Hope you are fine. Today we will start the next unit of 6th class mathematics, which is unit 5 and name is fraction. In this video, I will explain all the topics of exercise 5.1 and then we will solve the exercise. So let's start. The first topic is fraction. Students, what is fraction? A fraction is a number that describes a relationship between a part and a whole. Look at this picture. Here is given a 3 upon 5. Fraction has two parts. जो ऊपर वाला parts होता है वो आपका, उसे हम numerator कहते हैं, और नीचे वाले part को हम denominator कहते हैं. Denominator total part in a whole and numerator is number of parts we have. Okay? Next topic is different types of fraction. There are 6 types of fraction. First, proper fraction, improper fraction, mixed fraction, like fraction, unlike fraction, and last is equivalent fraction. So start with first fraction, proper fraction. What is proper fraction? Numerator is smaller than the denominator. वो fraction जिसमें numerator denominator से छोटा होता है. Look at this example. 1 upon 2, 3 upon 4, 5 upon 6, 11 upon 20 and 21 upon 25. Next fraction is improper fraction. इसके में क्या होता है? Numerator is equal or greater than the numerator. Numerator is equal or greater than the denominator. जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है या उस दोनों इक्वल होते हैं. यहाँ पर देखिए एग्जांपल में 3 अपॉन 2, 7 अपॉन 4, 6 अपॉन 5, 15 अपॉन 11 एंड 10 अपॉन 10. यहाँ आपको नीचे इसमें फ्रैक्शन के रूप में भी दे रखा है, ठीक है. नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन, कंसिस्ट ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन. लुक एट दिस एग्जाम्पल. होल नंबर 1, 1 अपॉन 2, होल नंबर 2, 3 अपॉन 4, होल नंबर 5, 5 अपॉन 6. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर, वो फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर मीन्स नीचे वाला डिजिट सेम होती है. लाइक दिस 1 अपॉन 4, 2 अपॉन 4 एंड 3 अपॉन 4. ये इन तीनों में डिनोमिनेटर सेम है 4, ठीक है, ये होते हैं लाइक फ्रैक्शन. नेक्स्ट है अनलाइक फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर. इसमें क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर होते हैं, नीचे वाला डिजिट जो होता है वो आपका अलग अलग होता है. देखिए 1 अपॉन 2, 3, 2 अपॉन 3, 3 अपॉन 4, यहाँ तीनों में जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है. क्लियर? नेक्स्ट फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इसकी क्या डेफिनेशन है? नेम द सेम अमाउंट बट हैव डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, चाहे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, बट जब हम उसको होल करते हैं तो उसका अमाउंट सेम ही आता है. जैसे कि यहाँ पर 1 अपॉन 2 दे रखा है, ओके. अब ये अपने इक्वल कराए 2 अपॉन 4 के, बट जब हम इस 2 अपॉन 4 को शॉर्ट फॉर्म में करेंगे तो 1 अपॉन 2 ही आएगा. तो आपका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर यहाँ 1 अपॉन 2 और 2 में भी अलग है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 अपॉन 4 में भी डिफरेंट है, बट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सेम आएगा, 1 अपॉन 2 मीन्स हाफ. ओके, नाउ कम ऑन द बुक एक्सरसाइज, एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1. फर्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल द प्रॉपर फ्रैक्शन. इट इज गिवन अ नंबर्स 2 upon 3, 5 upon 9, 10 upon 4, 13 upon 7. ये आपको फ्रैक्शंस दे रखे हैं 4. इसमें से आपको प्रॉपर फ्रैक्शंस को बताना है कौन कौन से हैं. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन मैंने आपको बताया प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनमें न्यूमरेटर स्मॉलर होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है. तो उसके अकॉर्डिंग 2 upon 3 एंड 5 upon 9 इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग.
यहाँ पे आपको एक जो नंबर दे रखा है ए पे, देखिए 4 out of 7, इसको आपको फ्रैक्शन में बताना है, मतलब 7 में से 4। ओके, तो आउट ऑफ जो है वो नीचे आएगा 7 और 4 ऊपर, मीन्स 4 parts में से 7 आपने उसको शेड किया। ठीक है, नेक्स्ट है हाफ। हाफ तो आपको पता है 1/2, 2 parts करें जिसमें से एक आपने यूज़ किया या शेड किया। ठीक है, नेक्स्ट है 6/9, जो 9th है वो आपका दैट इज़ अ डिनोमिनेटर और जो 6 है आपका दैट इज़ अ न्यूमरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पार्ट। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको एक शेप दे रखा है और नीचे आपको जो फ्रैक्शन दे रखा है वो है 1/2। एक रेक्टेंगल के 2 shape parts कर रखे हैं और इसको शेड करके दिखाना है, तो स्टूडेंट्स पार्ट्स तो 2 हैं और ऊपर लिखा है 1, तो 1 को हम शेड करेंगे। ओके, जो नीचे जो डिनोमिनेटर है उतने हम पार्ट्स करते हैं जो ऑलरेडी हो रहे हैं, और जो ऊपर न्यूमरेटर है उसको हम शेड करेंगे। ऊपर 1 है तो मैंने 1 part को शेड करके शो किया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से देखिए, यहाँ पर एक सर्कल में एक पार्ट्स हो रहे हैं, वो आपका 8 parts हैं और उसको 3 को शेड करना है, तो 8 parts तो ऑलरेडी हो रहे हैं और 3 कोई से भी आप उसे शेड करके शो कर सकते हैं। ये फ्रैक्शन में आपको शो करा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक राइट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड क्रॉस द मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्रैक्शन दे रखे हैं जिसमें प्रॉपर भी है, इम्प्रॉपर भी है, मिक्स्ड भी है, पर आपको उसमें से सिर्फ इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन को शो करना है। जो तो मैंने आपको कैसे किया देखिए, आपको पता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। ओके, तो वो मैंने कर लिखे हैं 9/7, 5/2 एंड 6/2, तो ये तो आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और मिक्स फ्रैक्शन तो आपको पता है होल में 5 whole 2/3 एंड 1 whole 1/8, दैट इज़ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ डायग्राम्स फॉर द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने ऊपर फ्रैक्शन करे वो प्रॉपर फ्रैक्शन के शेड में करे, डायग्राम्स को शेड में दिखा, लेकिन यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप शेड में डायग्राम में किस तरीके से शो करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, इक्वेशन है आपकी, जो फ्रैक्शन दिया है वो है 11/7, मीन्स अब हमें 7 parts में से 11 को शेड करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे इसको देखिए, 7 लिखा है तो मैंने एक रेक्टेंगल लिया, उसमें पहले मैंने 7 उसके पार्ट्स करे, अब इसमें हमें 11 को शेड करना है, तो यहाँ पे तो सिर्फ 7 parts हैं, उसके लिए मैं एक और रेक्टेंगल बनाऊंगी, वो मैंने बनाया उसमें भी मैंने 7 parts करे, अब ये 7 और 7 हो गए 14। ओके, अब मैंने इसमें से 11 को शेड किया, ये मैंने करा है और बाकी के छोड़ दिए। इस तरीके से आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डायग्राम के थ्रू ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हमारा जो क्वेश्चन है 2 whole 2/5, अब मैं इसको कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रही हूँ, देखिए पहले हम डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो न्यूमरेटर उसमें प्लस करेंगे और अपॉन डिनोमिनेटर, जैसे 5 into 2 plus 2/5, तो 5 into 2 10 plus 2 12 12/5, दिस इज़ अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट ऐसे ही है 2 whole 3/72, सेम 72 into 2 plus 3/72, योर आंसर इज 147/72। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ पर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, फ्रैक्शन है 11/7, तो हम 7 का डिवाइड 11 में करेंगे और हम इसको इस तरीके से 1 whole 4/7, दिस इज़ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, 1 whole 4/7, दिस इज़ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट यही एक और क्वेश्चन है, एग्जाम्पल सॉल्यूशन कराएं, 23/6, 6 का डिवाइड हम 23 में करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा रिमाइंडर के साथ उसको हम इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में शो करेंगे, 3 whole 5/6, दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल द लाइक फ्रैक्शंस।
या बहुत सारे फ्रैक्शंस दे रखे हैं, उसमें से आपको सर्कल करना है, बट मैंने यहाँ पे नीचे लिख के शो करा है। आपको पता है लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं। तो यहाँ देखिए 1/2, 5/2 एंड 3/2, यही आपके लाइक फ्रैक्शंस हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फाइंड 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपको बताने हैं, जो आपके पास गिवन फ्रैक्शन है वो 2/5 है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था, आप इसको इस तरीके से सॉल्यूशन के हिसाब से इस तरीके से समझिए, 2/5 है तो ऊपर हमको इक्विवेलेंट करना है, 2 के बाद 2 का, फिर 2 का ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे टेबल ले सकते हैं हम, 2 2 ज़ा 4, सबसे पहले हम ऊपर का देखेंगे डिनोमिनेटर का, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, ओके तीन हो गए। अब नीचे जाएंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, ये 2/5 के 4/10, 6/15 और 8/20, ये आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कैसे हैं, अगर हम इस लास्ट 8/20 को रिड्यूस करेंगे तो आपका आंसर 2/5 ही आएगा। इन सबको अगर हम रिड्यूस, 4/10 को भी हम अगर रिड्यूस करेंगे तो ये 2/5 ही आएगा, 6/15 को भी हम रिड्यूस करेंगे तो 2/5 ही आएगा, ओके। अब ऐसे ही नेक्स्ट किया है मैंने, 11/13 तो 22/26, 33/39 एंड 44/52, ये इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब में क्वेश्चन देखिए क्या है, 2/3 विथ 24 एज द डिनोमिनेटर। यहाँ फ्रैक्शन है 2/3 और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि डिनोमिनेटर 24 ही आना चाहिए, तो कैसे आएगा देखिए क्लास, डिनोमिनेटर की बात हो रही है तो 3 की बात हो रही है, हम 3 में एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे डिनोमिनेटर 24 हो जाए, तो हम करेंगे 8 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 8 ज़ा 24 होते हैं। तो जिस नंबर का मल्टीप्लाई हमने डिनोमिनेटर में किया है उसी नंबर का मल्टीप्लाई हम न्यूमिनेटर में भी करेंगे, और इसी जैसे कि 2 × 8 एंड 3 × 8 इक्वल्स टू 2 8 ज़ा 16 एंड 3 8 ज़ा 24, ठीक है, आ गया हमारा डिनोमिनेटर 24, तो दिस इज़ द आंसर। इसी तरीके से दूसरा मैं आपको बता रही हूँ जिसमें आपको न्यूमिनेटर सेम लेना है, 2/4 विथ 16 एज द न्यूमिनेटर, सेम यहाँ पर हम 2 में न्यूमिनेटर मीन्स ऊपर वाला नंबर, 2 में हम ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कि 16 आ जाए, और उसी नंबर का हम मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करेंगे, तो 2 में 2 8 ज़ा 16, तो 2 में हमने 8 का मल्टीप्लाई किया, तो 4 में भी हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16/32 दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द मिसिंग टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहाँ पे आपको एक टर्म्स दे रखी हैं बहुत सारी और बीच बीच में से उन्होंने ब्लैंक्स दे रखे हैं, मिसिंग कर दिए हैं, तो उन्हें आपको फिल करना है। तो देखिए हम इसको कैसे फिल करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले उन्होंने एक फ्रैक्शन दिया है 2/3, उसके बाद है 4/6, अब फिर उसके बाद है ऊपर तो न्यूमिनेटर तो 6 दे रखा है लेकिन डिनोमिनेटर में उन्होंने ब्लैंक कर रखा था। तो देखिए अब हम देखेंगे सीक्वेंस, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ओके ऊपर का तो आ गया, सेम हम नीचे का पैटर्न करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो इस वाले ब्लैंक पे आएगा 9। अब हम आगे चलेंगे, अभी हम ऊपर 2 का टेबल कर रहे थे, तो अब 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, पर यहाँ पे 8 नहीं है 10 है, तो उन्होंने उसको मिस कर दिया। आगे चलेंगे 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे 10 है, अब ओके नीचे 15 है, मतलब इन्होंने 3 4 ज़ा 12 को भी मिस किया है और 3 5 ज़ा 15 करा हुआ है, ओके। नेक्स्ट इसी तरीके से 2 6 ज़ा 12, तो 3 6 ज़ा 18 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए लास्ट में 18/27 कैसे आएगा, 2 6 ज़ा 12 है, 2 7 ज़ा 14 नहीं है, तो हम 3 7 ज़ा भी नहीं करेंगे, 2 8 ज़ा 16 नहीं है, तो हम 3 8 ज़ा भी नहीं करेंगे, 2 9 ज़ा 18 है और 3 9 ज़ा 27, तो 18/27 ये आपका पूरा ब्लैंक फिल हो गया, ओके। नाउ नेक्स्ट, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू देयर लोएस्ट टर्म। यहाँ पे आपको एक टर्म दे रखा है फ्रैक्शन में 120/144, इसको आपको रिड्यूस करना है सबसे छोटे नंबर तक आपको काटते जाना है, तो ये तो आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में सिखा रखा है आपको, 120/144 को हम सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं, ऐसा नंबर लेते हैं जिससे दोनों फिगर ऊपर नीचे की दोनों फ्रैक्शन कट हो जाएं, तो 2 से हो जाएंगे,
टू से करेंगे, फिर टू से करेंगे 60/72 आएगा, अगेन ये भी टू से कट जाएगा 30/36 आएगा, अगेन ये भी आप टू से करेंगे 15/18 आएगा, बट 15/18 में आपका 18 तो टू से जाएगा बट 15 आपका टू से नहीं जाएगा, तो हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टेबल लेंगे वो है थ्री का, तो थ्री में आपके 15 और 18 दोनों आते हैं, तो आपका आ जाएगा 3 5 15 और 3 6 18, यहाँ 5/6 आ गया, 5/6 किसी भी टेबल में दोनों नहीं आते हैं, तो ये है आपकी स्टेज, दिस इज द आंसर। यहाँ आपका रिड्यूस होकर जो आएगा जहाँ पे वो नंबर ऊपर नीचे के किसी भी टेबल में नहीं आते हैं वो आपका आंसर होता है। इसी तरीके से मैंने एफ वाला कर रखा है 135/55, ये आपका देखिए 5 से कटेगा, ओके 27/11, अब 27/11 ये नंबर दोनों किसी भी एक टेबल में नहीं आते हैं तो यही आपका आंसर है। नाउ स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.1 इज कंप्लीटेड एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज, ओके, एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल शेयर द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 5 अलॉन्ग विद देयर रिमेनिंग एक्सरसाइज। बाय बाय, टेक केयर।